इस वीडियो में मैं आपको थोड़े से नर्व यूज करके सीवी कर्व यूज करके कुछ शेप्स बनाने हैं वो दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो सीवी कर्व यानी कंट्रोल वर्टेक्स कर्व, अगर आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सीवी कर्व, ईपी कर्व, बेजियर, पेंसिल, आर्क, ऐसे अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे। बेसिकली ये सिर्फ कर्व क्रिएट करने के अलग अलग तरीके हैं। एक बार आपने कर्व क्रिएट कर लिया तो वो सेम बिहेव करेगा, सेम ऑप्शंस आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं सीवी कर्व यानी कंट्रोल वर्टेक्स कर्व, ईपी कर्व यानी एडिट पॉइंट कर्व, मैं सीवी कर्व पे क्लिक करता हूँ, किसी भी एक पॉइंट पे सिंपल क्लिक करता हूँ, फिर दूसरा, तीसरा, जब मैं चौथे पॉइंट पे क्लिक करूँगा तभी इसके बीच में कर्व आना या बनना शुरू हो जाएगा। ऐसे करते करते मैं यहाँ पे एक कर्व बना सकता हूँ। कर्व के कई सारे ऑप्शंस हैं, मैं एक एक वीडियो में वो सारे ऑप्शंस आपको कंप्लीट करने वाला हूँ, जैसे कि कर्व को अटैच करना है या डिटैच करना है उसका। एक बार कर्व बनाने के बाद आप एंटर प्रेस करो टू कंप्लीट द ऑपरेशन। उसके बाद मैं एक काम करता हूँ, स्पेस बार प्रेस करता हूँ और फ्रंट व्यू या कोई भी साइड व्यू में जाता हूँ, यहाँ पर क्रिएट और सीवी कर्व टूल, यहाँ पर ये जो सेंटर लाइन है वर्टिकल उसको एज अ रेफरेंस लेते हुए मैं यहाँ पे कुछ बॉटल का शेप निकालता हूँ, जैसे कि ये मान के चलो ये उसका कुछ ढक्कन है और ये नीचे बॉटल है। अगर शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो वो स्ट्रेट कर्व बनाएगा। सो ये मैंने कोई शेप बना लिया बॉटल जैसा, एफ इज फोकस सिलेक्टेड, पर्सपेक्टिव में जाके देखता हूँ और इसी लाइन को सिलेक्टेड रखते हुए यहाँ स्टेटस लाइन में मैं सिलेक्ट करता हूँ सरफेस, या फिर आप मॉडलिंग सिलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद सरफेसेस में रिवॉल्व, रिवॉल्व जो होता है वो बाय डिफॉल्ट अराउंड वाई एक्सिस यानी जो वर्टिकल एक्सिस है ग्रीन वाला उसी के अराउंड होता है। मैं यहाँ पे रिवॉल्व करता हूँ, सिक्स प्रेस करता हूँ ताकि शेडेड मोड दिखे और आप देख सकते हो कि ये बॉटल का शेप बन गया। इसी तरीके से अगर चाहो तो दूसरा भी, जैसे कि वाइन ग्लास क्रिएट करना है, मैं कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल, नहीं कंट्रोल ए से एट्रीब्यूट एडिटर आएगा, यहाँ पर किसी भी खाली जगह पे राइट क्लिक करके मैं सिलेक्ट ऑल कर सकता हूँ, डिलीट करता हूँ। फिर से एक बार मैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जाता हूँ, किसी भी, क्रिएट सीवी कर्व और वाइन ग्लास निकालने के लिए उसका जो शेप है उसका आउटलाइन मैं बनाऊंगा इस तरीके से, एंटर करता हूँ, फिर से एक बार पर्सपेक्टिव में आता हूँ और फिर से एक बार सरफेसेस में रिवॉल्व पे क्लिक करता हूँ, ये बन गया मेरा शेप।